अब आ रही है क्या मेरी आवाज? हेलो, यस, माय ग्रैंड मदर इज ठीक, बट यस आई विल ओनली बी टेकिंग इकोनॉमिक्स टुडे। मुझे वापस जाना है, बट इतना लेक्चर क्योंकि कल भी अचानक से छुट्टी दी है मैंने, तो बस एक दिन मेरे साथ बेयर कर लो। हेलो हिमांशु, मिहिर, सबसे ऊपर यश, साक्षी, और कौन आया है, अतुल, ऑल ऑफ यू हेलो। तो अब हम लोग आज का भी दिन, आज इज द लास्ट डे, कल से आई विल बी स्टार्टिंग विथ योर करंट अफेयर्स अगेन। हम लोग सारी लेटेस्ट अपडेट्स पे जाएंगे। ओके, गिव मी वन मोर डे टुडे, बिकॉज आज मैं सिर्फ ये लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा आपका मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी। हेलो ऋतिक, ओके। तो अब उस दिन हम लोगों ने डिबेंचर्स देख लिए, फटाफट एक छोटा सा रिकैप। डिबेंचर 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 मतलब कंपनी 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 जब पब्लिक से क्या लेती है, पब्लिक से बोरो करती है, कंपनी पब्लिक से बोरो करती है, तो ये देने वाले लोगों को हम क्रेडिटर्स बोलेंगे। वी विल कॉल देम एज क्रेडिटर्स। डिबेंचर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला देखा था सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड। हमने डिबेंचर्स के तरीके देखे थे। डिबेंचर्स में सबसे पहला था सिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर हैविंग अ चार्ज ऑन आर असेट, मतलब अगर हम इन्हें पे नहीं कर पाए, अक्टूबर का ई बुलेटिन आ गया, हम लोग कल से अपना करंट अफेयर स्टार्ट होगा, मैं एंड में सब बता दूंगा। ओके, सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैव अ चार्ज ऑन आर असेट्स। फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है, फिक्स चार्ज हो सकता है। फिक्स चार्ज में हम डिबेंचर होल्डर्स को पहले ही बता देते हैं, एट द टाइम ऑफ इश्यू ओनली वी टेल द डिबेंचर होल्डर्स कि दे हैव अ चार्ज ऑन अ पर्टिक्युलर फिक्स्ड असेट, दैट इज अ फिक्स चार्ज। बट समटाइम्स वी मे टेल देम आफ्टर, वी मे टेल देम कि बस आपका चार्ज तो है हमारे असेट्स पे, बट एग्जैक्ट कौन सी हम नहीं बता रहे, दैट इज फ्लोटिंग। आप किसी भी असेट में से पैसे लेके जा सकते हो। अनसिक्योर्ड वालों को हम लोग कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। रिडीमेबल डिबेंचर्स आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम उनका लिया हुआ पैसा रिटर्न कर देंगे। हम पहले ही बता देते हैं उनको कि कब हम लोग इसे रिटर्न करेंगे। इरिडीमेबल में हम पैसे रिटर्न नहीं करेंगे। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, आप एक डिबेंचर आज लेके जाओ, इसको पूरा कन्वर्ट कर देना इंटू इक्विटी शेयर। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, आप एक डिबेंचर आज लेके जाओ और उसके कुछ उसमें से कुछ पार्ट को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, आज डिबेंचर लेके जाओ, मरते दम तक बड़ा होके ये डिबेंचर ही रहेगा। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, आज डिबेंचर है, बड़ा होके शेयर बन जाएगा। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, आज डिबेंचर है, बड़ा होके कुछ थोड़ा डिबेंचर रहेगा, थोड़ा शेयर रहेगा। नॉन कन्वर्टेबल, आज डिबेंचर है, बड़ा होके भी डिबेंचर ही रहेगा। समझा यहाँ पे, ये अपनी चेंजेस नहीं लाएगा। लास्ट जो दो चीजें देखी थी, बेरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर। बेरर डिबेंचर में आपको एक डिबेंचर सर्टिफिकेट, आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, डिबेंचर वारंट बोल सकते हो आप इसको, जिसके ऊपर आपका नाम नहीं लिखा होता है और ये डिबेंचर्स आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो सर फिर मुझे इस पे कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा ना बच्चों, टेंशन क्यों ले रहे हो, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि इसके साथ आते हैं इंटरेस्ट कूपन्स। कूपन बोलने का है, कूपन बोलो, दीज आर इंटरेस्ट कूपन, कि भाई ये डिबेंचर के साथ कूपन दे रहे हैं जिसको भी, क्योंकि देखो एक बात समझो, मैं कंपनी हूं ठीक है, और मिस्टर एक्स मुझसे डिबेंचर्स बाय कर रहा है, मैंने मिस्टर एक्स को डिबेंचर्स दिए और अपने रजिस्टर में मिस्टर एक्स का नाम भी लिख दिया, तो मुझे पता है किसको डिबेंचर, मुझे पता है इंटरेस्ट किसको देना है, मुझे मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट देना है, मैं दे दूंगा। समझा कि नहीं समझा? बट अब मैंने मिस्टर एक्स को डिबेंचर की जगह, डिबेंचर सर्टिफिकेट की जगह, मैंने मिस्टर एक्स को बेरर डिबेंचर दिया। बेरर डिबेंचर देते वक्त मिस्टर एक्स ने बोला सर डिबेंचर दे दो बट उसपे मेरा नाम मत लिखो, तो मेरे बुक्स में किसी का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैंने मिस्टर एक्स को सपोज 150 डिबेंचर्स दिए, तो मैंने अपने बुक में इतना ही लिख के रखा है कि 150 डिबेंचर्स बेरर डिबेंचर्स है। बेरर डिबेंचर्स मतलब इस पे किसी का नाम नहीं है, हमारे बुक में तो किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। जब कोई डिबेंचर आपके बुक में किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है बच्चों, तो उस पे इंटरेस्ट किसको दोगे? समझा? तो आप क्या करोगे, इस डिबेंचर के साथ कूपन्स दे दोगे। समझा? हर डेट पे कूपन लेके आओ भैया, इंटरेस्ट की डेट्स लिखी होगी उस पे, उस डेट पे कूपन लेके आओ,
ब्याज लेके चले जाओ, ठीक है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मैंने समझा दिया, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स किसी के नाम पे रजिस्टर्ड होंगे, जब तक उसका नाम है हमारे बुक्स में तब तक हम उसी को इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो अगर मिस्टर एक्स ने डिबेंचर्स बाई किए और उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, और बाद में वो उसे मिस्टर वाई को सेल कर देता है, अगर वो मिस्टर वाई को सेल कर देता है, तो मुझे एक चीज याद रखनी है, मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब तक ये वाई के नाम पे फिर से रजिस्टर नहीं हो जाते तब तक डिबेंचर पे का इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को मिलते रहेगा। ये इश्यू होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का कि आप अगर वो खरीद रहे हो तो आपको आपके नाम पे करवा के लेने पड़ेंगे। फिर हमने देखा था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनारियो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के लिए क्या है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का हम खत्म कर चुके थे, हेलो वंशिका, और स्टार्टअप्स का बाकी है, समझा। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का वी हैड फिनिश्ड। पहला स्कीम था स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। पहला स्कीम क्या था? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। एक सिंगल बंदे को नहीं मिलेगा, आप क्लस्टर बना के आओ। क्लस्टर बना के आओ मतलब पूरा की पूरा गांव चल के आ गया कि सर हमारे गांव के पास एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मतलब हम ये चीजें अच्छी बना सकते, हो सकता है कोई क्राफ्ट हो सकता है कोई कपड़ा हो सकता है कोई एम्ब्रॉयडरी वाली चीज हो। हर एक गांव की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती थी उस जमाने में, और वो अब लुप्त हो चुकी है, लुप्त मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो अगर कोई पंचायत आ जाए या कोई प्राइवेट बिजनेसमैन भी आ सकते हैं, आप और आपके फ्रेंड्स मिलके किसी एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को क्या करना चाहते हो, अब बढ़ावा देना चाहते हो, तो गवर्नमेंट के पास आप जा सकते हो इस स्कीम में पैसे मांगने के लिए। गवर्नमेंट आपको 8 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, 8 करोड़ रुपए का। 3 तरीके के लोन्स हो सकते हैं, सॉफ्ट, हार्ड और थीमैटिक लोन्स। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना ही याद रखो, गवर्नमेंट आपको सॉफ्ट, हार्ड या थीमैटिक लोन्स प्रोवाइड करेगी। एनजीओज आ सकती है, गवर्नमेंट इतना ही चाहती है कि इससे कोई फोकट का प्रॉफिट ना कमाए, इसीलिए अगर आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको एसपीवी बनाना पड़ेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। हमने क्या किया, एक गांव ढूंढा, उस गांव में देखा कि वो लोग एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चलाते थे, वो प्रोडक्ट्स बहुत बिक सकते हैं। हमने गवर्नमेंट से 8 करोड़ की फंडिंग ले ली, इनको बोला आप वो प्रोडक्ट बनाओ, हम वो प्रोडक्ट लेके मस्त बेच रहे हैं और हम फुल पैसा कमा रहे हैं। इससे अभी भी उस गांव वालों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि उनके टैलेंट का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, हम जैसे प्राइवेट बिजनेसमैन को मिल रहा है। एनजीओ का इश्यू नहीं है, देखो एनजीओ क्या होते हैं, एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ जो होती है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अगर एक एनजीओ किसी गांव को या किसी एक गांव में जाके वहां की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है ना, गवर्नमेंट बोलती है करो आप, क्योंकि एनजीओ को इससे जो भी प्रॉफिट होगा एनजीओ वापस से अपने पर्पस के लिए स्पेंड करेगा, एनजीओ ये प्रॉफिट घर पे नहीं लेके जा सकता। तो एनजीओ है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, चलेगा। प्राइवेट बिजनेसमैन अगर चाहते हैं ऐसा लोन उठाना अंडर द स्कीम स्फूर्ति, तो दे विल हैव टू फॉर्म अ एसपीवी। एसपीवी इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब अ कंपनी, अ स्मॉल, दे विल हैव टू फॉर्म अ कंपनी विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि दैट कंपनी विल इंप्रूव और विल रेज द विल इंप्रूव दीज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये कंपनी इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे और इससे जो भी फायदा हो रहा है, ये कंपनीज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे और जो भी फायदा होगा वो इनके लिए ही यूज करेंगे। ये था स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रूरल रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है अ स्कीम ऑफ प्रमोशन, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट कर रहे हैं। इसमें 2 चीजें बोली इन्होंने। हाँ, आपको अगर आपको 100 लाख का या 50 लाख का लोन मिलेगा, सर कैसे? बेटा आप अगर कोई एक रूरल इंडस्ट्री खुद चालू कर रहे हो या एक एंटरप्रेनर हो और एक बिजनेस खुद चालू कर रहे हो तो आपको 100 लाख, 100 लाख मिल जाएंगे, अप टू 100 लाख या कॉस्ट ऑफ योर प्लांट एंड मशीनरी विच एवर इज लोअर। आप ट्रेनिंग सेंटर चालू करना चाहते हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, एक इंक्यूबेशन, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर चालू करना चाहते हो, बच्चों बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर चालू करना चाहते हो, तो मैक्स आपको 50 लाख तक का जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी है उसकी कॉस्ट या 50 लाख विच एवर इज लोअर आपको मिल जाएगा, समझा। ये भी पढ़ लिया था हमने, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी पढ़ लिया था। आपको क्या मिलेगा,
आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर एक आईटीआई चला रहे हो, पॉलिटेक्निक चला रहे हो या कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, बेटा आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चला रहे हो मतलब आप किसी को ट्रेनिंग देने वाले हो, तो जो ट्रेनिंग लेने वाले, अगर वो ट्रेनिंग लेने वाले स्पेशल कैटेगरी के लोग है, एससी एसटी वुमेन एंड फिजिकली हैंडीकैप, ये अगर वीकर सेक्शन, स्पेशल कैटेगरी मत बोलो, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो दे बिलोंग टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शंस एससी एसटी वुमेन एंड फिजिकली हैंडीकैप। सर वुमेन तो बहुत स्ट्रांग होती है, अग्रीड स्ट्रांग होती है। वीकर सेक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, इन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। फिजिकली हैंडीकैप, बेचारा कितना भी टैलेंटेड हो उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप बंदा बेचारा जॉब मांगने चला जाएगा ना, तो उसके साथ एक, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं अच्छी बात है बुरी बात है, बट उसके साथ होगा, क्योंकि देखो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक बिजनेसमैन क्या बोलेगा, यार इसको ले तो लूंगा ये बंदा अच्छा है, बट क्या ये रेगुलर आदमी जितना काम कर पाएगा, नहीं तो मैं इसे रेगुलर सैलरी कैसे दूं, समझा। तो इसीलिए उसके स्किल डेवलप करना जरूरी है, अगर उसके पास स्किल होगा तो ही कैन डिमांड रेगुलर सैलरी, दैट्स इट। इतना ही यहां पे लॉजिक है, समझा, कि इनकी क्या डेवलप करनी है, स्किल, ठीक है। तो अगर मैं एक ये चला रहा हूं आईटीआई या पॉलिटेक्निक, तो मेरे पास जितने भी वीकर सेक्शन के लोग है, पर पर्सन 500 पर पर्सन पर मंथ मिल जाएगा मुझे, और इन लोगों को मैं कुछ चार्ज नहीं कर सकता, मुझे फ्री में सिखाना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर हमने देखा स्कीम ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, स्कीम ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट जो है हमारी, गवर्नमेंट प्रेफर करती है टू परचेज फ्रॉम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रेफर करती है इंडियन से ही बाय करने का, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रेफर करती है इंडियन से ही बाय करने का, बट उसके लिए आपकी एसएमई को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला हम आपको एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवा देंगे, आप इसके थ्रू रजिस्टर कर लो आपका एसएमई, आपके डिटेल्स दे दो, आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो, क्या आपकी सारी डिटेल्स दे दो, तो गवर्नमेंट परचेजेस में आपका भी नंबर लग जाएगा, गवर्नमेंट आप, अगर गवर्नमेंट को वो चीजें खरीदनी है तो आपसे भी खरीदेगी। ये था स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब हम जाएंगे स्टार्टअप्स के लिए हमारी देश क्या कर रही है। स्टार्टअप कल्चर बहुत जरूरी है बच्चों, हमारे देश के कुछ स्टार्टअप्स इतने माइंड ब्लोइंग है जिन्होंने पुराने पुराने बिजनेसेस की वैल्यूएशंस को इजीली क्रॉस कर दिया। जैसे लोग बोलते हैं, मैंने उस दिन पढ़ा कि बायजूस जो है अ पर्सन, ही इज अ पर्सन हु हैज स्टार्टेड एन ऐप, ठीक है, नाउ हिज वेल्थ, मतलब उनकी जो वेल्थ है इनके ओनर की, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो आनंद महिंद्रा है उनसे भी ज्यादा वेल्थ जमा हो गई है इस बंदे के पास। अब महिंद्रा कितना पुराना बिजनेस है, महिंद्रा इंडिपेंडेंस से भी पहले का बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है। इनकी फैक्ट्री की साइजेस देखोगे आप, इनका सेटअप कितना बड़ा है, देखो हर सिटी में महिंद्रा के शोरूम्स है, सर्विस सेंटर्स है, कार्स इनकी रोड्स पे दिखती है, इतने पुराने बिजनेस में नहीं है और एक्चुअली अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। इनकी वेल्थ, बायजूस की वेल्थ क्या हो चुकी है, अब वेल्थ का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू जो इनके पास असेट्स है वो आज इनसे ज्यादा हो गई है। और ये था एक स्टार्टअप बच्चों, ये था एक स्टार्टअप। तो अब देखो बेटा, अकेले नहीं कमा रहे बायजूस, इनके साथ साथ बहुत लोग कमा रहे हैं, इनके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज है, टीचर्स है, इनका प्रोडक्ट बेचने वाले लोग है। तो स्टार्टअप जब बढ़ता है ना तो देश को बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। वैसे ही बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी डेवलप हो रहे हैं, जैसे था अपस्टॉक्स करके एक स्टार्टअप था, यूनिकॉर्न हो गया वो, यूनिकॉर्न मतलब जिनको $1 बिलियन की फंडिंग मिली है। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप्स, there are numerous schemes launched by the government of India for financing, however this section covers only 3 schemes important। hum yahan pe 3 hi schemes dekhne wale hain, venture capital assistance scheme, support for international patent protection in electronics and information technology SIP EIT and stand up or india for financing sc st and women entrepreneurs। 3 schemes dekhenge, pehla hai venture capital assistance scheme, pehla kya padh rahe hain hum log, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। दिस स्कीम इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो ये स्कीम स्पेसिफिकली फार्मर्स वार्मर्स के लिए रहोगी। ये 3 स्कीम्स देखनी है बच्चों हमको, ये वाली सिप ईआईटी और ये वाली, समझा। तो ये पहली जो स्कीम है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर होम, पहली स्कीम इज स्पेसिफिकली फॉर, It is run by whom? Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,
वेंचर कैपिटल असिस्टेंस इज फाइनेंशियल सपोर्ट. बेटा वेंचर कैपिटल होता कौन है, एक बात देखो, एक मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सेट अप अ बिजनेस. फॉर दिस आई नीड फंड्स. बैंक के पास जाऊंगा, बैंक लोन दे सकती है. बट एक और अंकल होते हैं जिनको बोला जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट. ये अंकल जो है ना, ये क्या करते हैं, एक फंड क्रिएट करते हैं जिसे बोला जाता है वेंचर कैपिटल फंड. ये अंकल क्या करते हैं, इस फंड में बहुत पैसा जमा करते थे, ये इनके कुछ दोस्त इसमें पैसा जमा करेंगे और ये क्या करेंगे, ये ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे और उनमें पीएसआर भी लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लेंगे. डोंट वरी, समझा. ये वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स. ये एक फंड क्रिएट करते हैं, आप आपके बिजनेस का प्रपोजल इनके सामने रखो, इनको अगर आपके बिजनेस का प्रपोजल अच्छा लगा आप बोलो आपको कितना पैसा चाहिए. मैंने बोला सर मुझे 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ के बदले में आपको मैं 10% शेयर दे दूंगा. इसने बोला ठीक है मैं तेरे को 10 करोड़ दे दूंगा, मुझे 25% शेयर चाहिए तेरे बिजनेस का. ठीक है, ले दे के बाद 20% पे अग्री हो गई, तो ये इसको 10 करोड़ दे देगा और इसके अंदर 20% ओनरशिप भी ले लेगा. दैट इज व्हाट अ वेंचर कैपिटलिस्ट डज. इसका बेनिफिट क्या है सर, इसका बेनिफिट ये है कि मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन जो एक नया बिजनेस सेटअप करने के लिए रेडी था, मैं बैंक के पास गया लोन मांगने के लिए, बैंक को मेरा विजन नजर नहीं आ रहा है. बैंक देखो, बैंक को दिख रहा है मेरा बिजनेस में बहुत स्कोप है, बट बैंक बोलते हैं सर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आपको अगर 10 करोड़ का लोन चाहिए ना तो आपको हमें कम से कम 12-15 करोड़ की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. हम तभी लोन दे सकते क्योंकि हम हमारे जेब से पैसा थोड़ी दे रहे सर, हम लोगों से लिए हुए पैसे आपको बांट रहे, तो हमें सिक्योरिटी तो नक्की चाहिए ही चाहिए. समझा क्या? तो बैंक तो सिक्योरिटी मांगेगा, बैंक मेरे पास 12-15 करोड़ की सिक्योरिटी होती तो मैं 10 करोड़ का लोन मांगने क्यों जाता. समझा? एवरीवन अंडरस्टूड? एक सेकेंड ना. ठीक है, तो एक बात समझो, मेरे बिजनेस में स्कोप बहुत है बट मुझे कोई लेंडर कोई बैंक वैंक मदद नहीं करने वाली है क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम समझो, वो सिक्योरिटी मांगते हैं. फिर मैं गया एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास. बच्चों ये खुद एक बिजनेसमैन है, इसने खुद एक बिजनेस किया है, इसको अगर मेरे बिजनेस में स्कोप नजर आया, इसको अगर मेरे बिजनेस में स्कोप नजर आया तो ये इन्वेस्ट करेगा क्योंकि ये खुद एक बिजनेसमैन है. ये रिटर्न्स को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगा, ये देखेगा इस बिजनेस को कितना ऊपर लेके जाना पॉसिबल है, क्या ये सच में फीजिबल है. समझा? तो अब वेंचर कैपिटल में क्या होता है, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है. फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो भी कैसा, याद रखो आपको पैसे तो मिलेंगे लोन के फॉर्म में बट दैट लोन विल बी इंटरेस्ट फ्री लोन. समझा? यहां पे दैट लोन विल बी इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय SFAC टू क्वालिफाइंग प्रोजेक्ट्स टू मीट शॉर्टफॉल इन द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. समझा? यहां पे तो आपको क्या मिलेगा, SFAC. लवकर, व्हाट इज SFAC? चलो चलो जल्दी, SFAC. Small Farmers Agribusiness Consortium. Small Farmers Agribusiness Consortium. Consortium.
समझा, दैट इज SFAC. एक सेकेंड रुको, ओके चलो. सो हम आगे SFAC पे, स्मॉल फार्मर्स. यस यस यस, क्या था? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम. ओके बच्चों एक बात समझो, यहाँ पे हम लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, बट दी स्टार्टअप विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस स्कीम इज स्पेसिफिकली फॉर फार्मर्स और पीपल इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर. हमारे पास और बहुत सारे स्टार्टअप्स है बच्चों. अब होता क्या है ना, दूसरे स्टार्टअप जो होते हैं उनके लिए दुनिया भर के लोग लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं या इन्वेस्ट करने के लिए. जैसे आप बायजूस का एग्जांपल ले लो, ओयो का एग्जांपल ले लो, अपस्टॉक्स का एग्जांपल ले लो, ये सब दुनिया भर. अब मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? टेल मी, अब मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक से? ओके अब ये जो है ना, इनके बिजनेस में बहुत स्कोप था, तो बड़े बड़े लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर दिया, फॉरेनर्स ने इनमें इन्वेस्ट कर दिया. ओयो को, ओयो रूम्स को सॉफ्ट बैंक बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है. सॉफ्ट बैंक एक चाइनीज बैंक है, समझा? यहाँ पे तो इनको पैसा मिल गया, बट हमारे जो फार्मर्स है उनका क्या? जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उनका क्या? प्राइमरी सेक्टर वाले लोगों का क्या? क्योंकि इंडिया की फार्मर्स की हालत इतनी भी अच्छी नहीं है पूरे इंडिया में, इसीलिए इनके लिए बहुत लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए. हमारी गवर्नमेंट ने बोला चिंता मत करो, हमने ही एक कंसोर्शियम बनाया है. कंसोर्शियम इज अ ग्रुप. क्या बोला बेटा, एक 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 करके आप मेहनत करोगे उससे अच्छा एक साथ आओ. कंसोर्शियम का मतलब होता है एक साथ आना. कंसोर्शियम का मतलब होता है एक साथ आना. स्मॉल फाइनेंस, स्मॉल फार्मर्स ने मिलकर एग्रीकल्चरल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक कंसोर्शियम बनाया. द बेनिफिट्स ऑफ वेंचर कैपिटल असिस्टेंट स्कीम. सबसे पहले इधर ध्यान दो, ये जो SFAC है, सिंपल सी चीज, सिंपल एकदम सिंपल पार्ट, ये जो SFAC है ये इन लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगा. इंटरेस्ट फ्री लोन्स, और क्या चाहिए बच्चों? बिजनेस करने के लिए आपको लोन मिल रहा है और उस पर इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ रहा है. किन लोगों को? फार्मर्स, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, पार्टनरशिप्स एंड प्रोप्राइटरी फर्म्स. सो SFAC, सर SFAC के पास पैसा कहाँ से आएगा? SFAC के पास पैसा आएगा यहां से. किधर गया वो? यहां से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने SFAC बनाया. SFAC को बोला ये लो पैसा, आप फार्मर्स को लोन बांटो फॉर देयर बिजनेसेस. ओके ठीक है. द बेनिफिट्स आर, क्या मिलता है? हेल्प इन असिस्टिंग एग्रीप्रेन्योर्स. एग्रीप्रेन्योर्स एन एंटरप्रेन्योर हु इज स्टार्टिंग एन एग्रीकल्चरल बिजनेस. एग्रीप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर हु इज स्टार्टिंग एन एग्रीकल्चरल बिजनेस. हेल्प इन असिस्टिंग एग्रीप्रेन्योर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट्स थ्रू फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन. बच्चों एग्रीकल्चरल बिजनेस में स्कोप बहुत है. अगर आप सक्सेसफुल फार्मर्स को देखोगे ना, सक्सेसफुल फार्मर्स, तो आप शॉक हो जाओगे कि पैसा कितना कमाते हैं सक्सेसफुल फार्मर्स. बट द प्रॉब्लम है, सक्सेसफुल फार्मर्स बहुत कम है हमारे देश में, क्योंकि सक्सेसफुल फार्मर्स के पास ह्यूज पीस ऑफ लैंड होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती है, बहुत कुछ होता है. अगर आप आपके काफी सारे फेमस रैपर्स को, पंजाबी रैपर्स को अगर आप देखो, पंजाबी रैपर्स, ठीक है, पंजाबी रैपर्स तो फेमस है बच्चों, यस और नो? इनमें से कई सारों का बैकग्राउंड फार्मिंग बैकग्राउंड है, कि इनके घर पे बहुत ज्यादा खेती है और बहुत पैसा है.
समझा, दिस इज वॉट कैन हैपन इफ फार्मर्स स्टार्ट अर्निंग विद देयर एक्चुअल पोटेंशियल, समझा। तो फार्मर्स को एग्रीकल्चरल एग्री बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए था, या फार्मिंग नहीं हो रही सर आप बिजनेस करने की बातें कर रहे हो, तो उनके लिए SFAC सेटअप करवा दिया, समझा। दूसरा, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट बाय प्रिपरेशन ऑफ बैंकेबल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स थ्रू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी। अब होता क्या है, SFAC खुद तो लोन प्रोवाइड कर ही देता है, इसके अलावा अगर आपको बैंक के पास जाना है तो आपको आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाना पड़ता है। बैंक के पास जाते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाना पड़ता है कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, इसे स्टार्ट करने के लिए पैसा कितना लगेगा, इसे स्टार्ट करने के लिए पैसा कितना लगेगा, इससे क्या क्या मैं करूंगा, कौन से असेट्स लूंगा, रिटर्न कैसे आएंगे, अगले साल उसके अगले साल अगले 3-4 सालों में कितना पैसा कमाऊंगा, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स ये सब देना पड़ता है। फार्मर को ये सब नहीं जमता था, SFAC वो भी करवा के देगा। कौन अप्लाई कर सकता है, फार्मर कर सकता है, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, फार्मर्स के ग्रुप्स जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनाते हैं और पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरी फॉर्म्स, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमारे यहाँ तो बचत गट बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, गट का मतलब होता है ग्रुप, बचत का मतलब होता है सेविंग्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं पता है क्या, जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जनरली डेली वेज अर्नर्स मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले लोग, छोटे मोटे बेचारे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले लोग, घरों में काम करने वाली मेड्स बेटा कितना सैलरी मिलता होगा, एक मेड बेचारी घरों अलग अलग घरों में काम कर करके 8,000-10,000 रुपए कमा लेती होगी महीने का, वो भी बड़ी सिटीज में। अब इसमें कुछ होता तो है नहीं, उसके घर पे अगर कभी उसको कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए उसको पैसे चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इधर जमा करते हैं, सेल्फ हेल्प सारी मेड्स मिलके एक ग्रुप बनाती है, ठीक है। तो SFAC क्या बोलते हैं, देखो आपके ग्रुप के पास सपोज 100 मेड्स ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, हर महीने वो लोग 200-200 रुपए जमा कर रहे हैं, 200 रुपीज एवरी मंथ हर एक मेड जमा कर रही है, तो हर महीने इनके पास 20,000 जमा हो रहे हैं, 1 ईयर में इनके पास 2.4 लाख जमा हो गए। अब SFAC बोलते हैं चलो आपके पास 2.5 लाख रुपए है, हम आपको और 2.5 लाख रुपए दे देते हैं, आपको कोई बिजनेस चालू करना है या एक दूसरे की हेल्प करनी है करो, समझा। SFAC इनको लोन देता है। कंपनीज भी अप्लाई कर सकती है, समझा, फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। एग्रीप्रेन्योर्स, एक ऐसा फार्मर जो एक नया एग्रीकल्चरल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, हमारी कंट्री में एग्री एक्सपोर्ट जोन्स बने हैं, हमने हमारी कंट्री में कुछ डेडिकेटेड एरियाज, कुछ स्पेशल एरियाज बना दिए है, कुछ डेडिकेटेड और स्पेशल एरियाज बना दिए है जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रो किया जाता है, एंड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स फॉर्मिंग एंड सेटिंग अप एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट्स। कौन, एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स जिन्होंने एग्रीकल्चर में डिग्री ली है। बच्चों हमारे पास एग्री यूनिवर्सिटीज भी है, एग्री कॉलेजेस भी है, समझा, यहाँ पे एग्रीकल्चरल कॉलेजेस, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, इन सबको मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन्स फ्रॉम SFAC, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हेल्प चाहिए तो वो भी दे देंगे। वन लास्ट टाइम, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप में पहला हम देख रहे हैं कौन, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, विकास नाम देखो, समझा। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम्स किसने चालू की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्या करती है, इन्होंने बना दिया एक SFAC को फार्मर, इस मिनिस्ट्री ने पैसा दिया और बोला आप फार्मर्स को या फिर प्रोड्यूसर ग्रुप्स को या फिर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनीज एग्रीप्रेन्योर्स, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी मदद करो, इन्हें आप क्या दो, लोन्स दो फॉर देयर बिजनेस प्रोजेक्ट, और उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होगी तो उस पर हेल्प करो। नेक्स्ट इज ये सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आज जी रहे हैं काफी ज्यादा मॉडर्न वर्ल्ड में, हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप देखो आपके घरों में ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए जिनको आप बोलते ही वो काम करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अलेक्सा लाइट बंद कर देती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और IT को मिक्स किया है, लाइट इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें कोई चिप डाल दी और उसे घर के एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया जो दोनों एक दूसरे से वाईफाई या इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और क्या हो रहा है, वो आपके घर के सारे काम कर रहा है। आज आप घर के आप घर से पूरे घर को फोन से ऑपरेट कर सकते हो, मैं चला गया किधर गाँव, भूल गया मेरे घर में कुछ बंद करना है कि नहीं, कुछ चालू है कि नहीं, मैं बस फोन में देख के बता सकता हूँ मेरे घर में क्या चालू है क्या नहीं चालू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बेटा अगर मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की
तो उसका पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं अपना पेटेंट रजिस्टर करवाऊंगा। As soon as I innovate something, innovate मतलब as soon as I discover something new, मैं उसका पेटेंट रजिस्टर करवा लूंगा। इस पेटेंट को पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिप EIT। समझा यहाँ पे क्या था? सिप EIT। दिस स्कीम इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना। ये स्कीम कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड ना, ये स्कीम कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज अ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग टू एनकरेज इनोवेशन एंड रिकॉग्नाइज द वैल्यू एंड कैपेबिलिटीज ऑफ ग्लोबल IP अलोंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स अलोंग विद कैप्चरिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन ICTE सेंटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। बस क्या बोला इन्होंने, आप अगर एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हो, आप एक MSME हो, MSME बेटा, अगर आप एक बड़ी सी कंपनी हो, लार्ज मल्टीनेशनल या लार्ज कंपनी हो, आपको टेंशन नहीं, आपके पास लॉयर्स का एक टीम है। एक लार्ज कंपनी के पास अपना एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। इस लार्ज कंपनी ने अगर कोई नया पेटेंट बना लिया, तुरंत इनकी लॉयर्स की टीम पूरी दुनिया में इसको फाइल करवा लेगी, जिसके लिए इनके पास तो पैसा वैसा सब कुछ होगा। समझा यहाँ पे? तो लार्ज कंपनी को प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ, सर MSME, मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ, मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढी, कोई भी इसे कॉपी कर लेगा, मुझे इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? तो इन्होंने बोला, डोंट वरी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे सपोर्ट कैसे करेंगे, हम आपको पैसा देंगे, लीगल टीम प्रोवाइड करेंगे, और आप जाके इसको दुनिया भर में पेटेंट करवा लो। समझा? ताकि दुनिया भर में आप इसके थ्रू, देखो आपने अगर कुछ नया ढूंढा ना, तो पूरे दुनिया भर के लोग आपके पास आएंगे इस टेक्नोलॉजी को। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, वीवो ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट निकाला था, वाला वो जो स्कैनर होता है वो निकाला था। सर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मतलब आपके फोन में जो फिंगरप्रिंट होता है, वीवो ने बोला स्क्रीन के अंदर वाला हम इन्वेंट करेंगे। ठीक है, वीवो ने जैसे ही किया, सैमसंग इनके पास गया, भैया हमको भी हमारे फोन में ये लगाना है, कितना पैसा लेगा बता, और ये पेटेंट यूज करने का राइट दो हमें। तो बनाया वीवो ने, वीवो अपने फोन में तो फुकट में लगा ही लेता है, बट वीवो ने उसका पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवाने की वजह से सब अब वीवो को अधिकार है। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले वीवो ने लाई, खुद ओके डेवलप की, किसी को कॉपी नहीं किया, तो अगर किसी को ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है, पेटेंट वीवो के नाम पे रजिस्टर्ड है, आपको यूज करना है, जाओ वीवो के पास, वीवो से परमिशन लो, वीवो आपको परमिशन दे देता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमिशन देने के वीवो पैसे लेगा। इसीलिए अगर मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूं और मैंने कुछ अच्छा ढूंढ लिया है, कुछ ऐसा ढूंढा है जो कि नया है, तो पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स मेरे पास आएंगे उसका राइट मांगने के लिए, अगर वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है तो। इसीलिए हाँ, अब पेटेंट अगर मैंने इंडिया में फाइल किया, इंडिया में कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता है, बट दुनिया का क्या। इसीलिए दुनिया भर में पेटेंट फाइल कर लो, ताकि आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर पाओ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहला, अब आप सबसे पहले तो एक MSME हो बेटा। आप सिर्फ MSME होके नहीं चलता, आपका बिजनेस MSME है, छोटा बिजनेस है, आपको इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है अंडर MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो आप एक रजिस्टर्ड MSME हो अंडर MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, ठीक है, एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज MSME यूनिट एज पर क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरियाज होते हैं कि आप MSME कब कहलाए जाओगे। अगर आप MSME के डेफिनेशन में आते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, क्या लेना है, तो यू शुड बी रजिस्टर्ड। सिर्फ MSME होके चलता नहीं, यू शुड बी अ रजिस्टर्ड MSME, फर्स्ट क्राइटेरिया। समझा यहाँ पे क्या बोला है? फर्स्ट क्राइटेरिया, यू शुड बी अ रजिस्टर्ड MSME। ओके, द एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट और ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शुड फुलफिल इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एज डिफाइंड बाय MSME। बेटा आप MSME कब कहलाओगे? जब देखो MSME डेवलपमेंट एक्ट जो है ना, MSME डेवलपमेंट एक्ट, इसमें बोला गया है कि अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में, अप टू 1 crore से कम इन्वेस्टमेंट है, तो आप स्मॉल माने जाओगे या मीडियम माने जाओगे। समझा? तो आप MSME हो या नहीं हो,
ये डिपेंड करता है आपने कितना अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है, और वो लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में। तो इफ यू आर अ कंपनी, योर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड बी लेस देन द लिमिट हियर। तो सिर्फ रजिस्टर, देखो पहले आप रजिस्ट्रेशन लो, बट एक बात समझो, अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी लिमिट से ज्यादा है तो आपको वैसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो इसका मतलब आपके पास प्लांट एंड मशीनरी कम है, बट रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद मत बढ़ाना, ये बोलना है इधर उनका। सपोज रजिस्ट्रेशन के लिए 1 करोड़ से कम का प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, आपके पास है, आप गए, आप रजिस्ट्रेशन मांगने गए, एमएसएमई ने चेक किया, आपके पास 1 करोड़ से कम का प्लांट एंड मशीनरी है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दे दिया आपको, बाद में आपने और 2-5 करोड़ का खरीद लिया, नहीं चलेगा। तो बाद में भी आपको हमेशा ये लिमिट मेंटेन करनी है, जिस लिमिट पे आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उससे कम ही रखो। द एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड एसटीपी यूनिट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एंड शुड फुलफिल इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डिफाइंड। समझा, एक तो आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, अगर आप कंपनी हो तो भी चलेगा, बट आपके पास प्लांट एंड मशीनरी लिमिट से कम होनी चाहिए। आप एसटीपी रजिस्टर्ड हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, तो भी आपके पास क्या होना चाहिए, एमएसएमई के लिए जितनी प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट है उससे कम ही प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। द एप्लीकेंट शुड बी अ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंटरप्राइज। कौन? टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंटरप्राइज और अ स्टार्टअप लोकेटेड इन इंक्यूबेशन सेंटर और पार्क रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। एक तो आप कौन हो? आप हो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंटरप्राइज। आप एक ऐसा एंटरप्राइज हो जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, नई नई टेक्नोलॉजीज कोई इन्वेंट कर रहा है। तो बेटा नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते वक्त, जैसे एक छोटे बच्चे को हमें काफी सारा हमें खाना पीना सब सिखाना पड़ता है, इंक्यूबेशन में हम एक छोटे बच्चे को जीना सिखा दे, वैसे अगर कोई बंदा टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा है, हम उसको इंक्यूबेट कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। या फिर हमारा एक स्टार्टअप होना चाहिए जो इंक्यूबेशन सेंटर या पार्क में रजिस्टर्ड है। समझा? सो दिस वाज इट। ये लोग जाके पेटेंट फाइलिंग के लिए मदद ले सकते हैं, सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिप ईआईटी। एंड द लास्ट वन, अच्छा उस दिन नहीं लिया मैंने ये सब। एंड द लास्ट वन इज स्टैंड अप इंडिया। इंडियंस को बोल रहे भैया खड़े रहो आप, और किसके लिए खड़े रहो? एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेनर्स को फाइनेंस करने के लिए। एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन एंटरप्रेनर्स को इनको फाइनेंस करने के लिए खड़े रहो। मतलब इन एंटरप्रेनर्स को अपने बिजनेस के लिए जो लोन लगेगा वो लोन देने के लिए प्लीज स्टैंड अप। समझा? दिस स्कीम इज मैनेज्ड बाय, ये याद रखना पड़ेगा, दिस स्कीम इज मैनेज्ड बाय होम, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बोलते हैं इसको, आईडीबीआई जैसा, एसआईडीबीआई है ये, आईडीबीआई जैसा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये स्कीम को मैनेज करती है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या फैसिलिटेट करती है? बैंक लोन्स, याद रखना पड़ेगा। ये जो सिडबी है ये लोन देता है 10 लाख से 1 करोड़ का टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस आर प्रमोटेड एंटरप्राइजेस। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स या ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज वो होती है जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। समझा यहाँ पे? तो इन्होंने बोला, देखो इधर ध्यान दो, अगर ये सिडबी है, एक सेकेंड ना, अगर एक सिडबी है ठीक है, तो इनकी जितनी ब्रांचेस है हर ब्रांच ने कम से कम एक एससी, देखो अगर इनकी 100 ब्रांचेस है हर ब्रांच ने 1 एससी 1 एसटी और 1 वुमेन एंटरप्रेन्योर को क्या देना चाहिए? लोन देना चाहिए बिटवीन द रेंज ऑफ 10 लाख टू 1 सीआर एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। हर एक ब्रांच को ये करना पड़ेगा। एवरी ब्रांच विल हैव टू गिव 1 person 1 SC 1 ST and 1, मतलब कम से कम 30 लाख का लोन तो देना पड़ेगा। एक एससी को 30 लाख का, एक एसटी को 30 लाख का और एक विमेन एंटरप्रेन्योर को 10 लाख का, सॉरी एक एससी को 10 लाख का मिनिमम 10 लाख, एक शेड्यूल ट्राइब वाले बंदे को मिनिमम 10 लाख और एक विमेन एंटरप्रेन्योर को मिनिमम 10 लाख। वो भी सिर्फ एक, देखो मैं एक बैंक की ब्रांच हूँ सर, मैंने किसी को लोन नहीं दिया, मैंने किसी भी एक विमेन एंटरप्रेन्योर को पकड़ा या एक एससी एंटरप्रेन्योर को पकड़ा और बोला ये ले 10 लाख, नहीं चलेगा। That investment should be or that loan should be given for greenfield enterprises only. Greenfield are promoted enterprises, जिनको government promote करना चाहता है। पता चला, देखो मैं डालना चाहता हूँ alcohol बेचने वाला unit, alcohol for human consumption वाला unit, government इसको ही promote करना चाहती है।
सर और लिखा है ना क्या? और लिखा है, यस, और वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और एटलीस्ट वन, ओके, और लिखा है, तीनों में से कम एक तो, तीनों की है तो अच्छा है, तीनों में से एक तो करना चाहिए. दिस एंटरप्राइज में भी, अच्छा तो पहली बात, अगर ये लोग किसी ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज को चालू कर रहे हैं तो ही लोन दो, तो ही वो लोन इसमें काउंट होगा. इसके अलावा देखो, अगर कोई वुमन एंटरप्रेनर मेरे पास आती है और वो एक बिजनेस, मैं एक ब्रांच हूँ, वुमेन एंटरप्रेनर मेरे पास आती है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है जो कि ग्रीन फील्ड में नहीं आता, और मैं उसे लोन देता हूँ चलेगा, बट वो इसमें नहीं पकड़ा जाएगा. इस बैंक के ऊपर अभी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है कि एक वुमेन एंटरप्रेनर या एक एससी एंटरप्रेनर या एक एसटी एंटरप्रेनर को ग्रीन फील्ड के लिए कम से कम 10 लाख का लोन तो देना ही है. सर अगर एक नहीं मिल रहा है, दो मिल गए 5-5 लाख वाले तो भी चलेगा, मिनिमम 10 लाख तो देना है. ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा बेटा. दो लोग मिले, एक 5 लाख लेके जा रहा है, दूसरा 5 लाख लेके जा रहा है, चलेगा क्या? नहीं. एटलीस्ट 10 लाख बोला ही है, समझा? क्योंकि लॉजिक होता है, 10 लाख में छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट होता. दिस एंटरप्राइज, अब सर ये जो बिजनेस चालू कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, कुछ भी? इन्होंने बोला बेटा मैन्युफैक्चरिंग भी चलेगा, सर्विस बिजनेस होगा तो भी चलेगा. एग्जाम्पल देता हूं, ये एक बंदा, एक वुमेन एंटरप्रेनर आके बोलती है मुझे पापड़ बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है, चलेगा? या अचार बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है, चलेगा? इफ इट इज अ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट. या फिर एक एससी एंटरप्रेनर या एक एसटी एंटरप्रेनर आके बोलता है सर आई नीड टू स्टार्ट अ कुरियर सर्विस, ओके, या ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो भी चलेगा, समझा? यहाँ पे, या फिर इन तीनों में से एससी या एसटी या वुमेन एंटरप्रेनर आके बोलती है सर आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ ट्रेडिंग बिजनेस. सर ट्रेडिंग बिजनेस मतलब? इन्होंने बोला सर आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ शॉप और अ शोरूम, चलेगा? इस सब के लिए, इन तीनों में से आप किसी भी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रहे हैं या सर्विस प्रोवाइडर के लिए आ रहे हैं या फिर ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, आप दे दो. लोन्स अंडर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें, किसको मिल सकता है ये लोन? और ये द एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग शुड बी दिस. मतलब सर ये नहीं समझा, बेटा इधर ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि जो भी एससी एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो एज अ प्रोप्राइटर ही होंगे, जरूरी नहीं है, समझा? यहां पे सपोज एक छोटी सी स्मॉल कंपनी हमारे पास आ गई, एक स्मॉल कंपनी हमारे पास आई जिनका शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपीस, जिनका शेयर कैपिटल कितना है बच्चों? 50 लाख रुपीस. इनका शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपीस और ये हमारे पास मांगने आ गई कम से कम 10 लाख रुपए से लेके 1 CR का फॉर अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, ठीक है? अब हम लोगों ने देखा कि इसमें से 26 लाख, मतलब मोर देन 50%, 50% से ज्यादा अगर शेयर्स एससी या एसटी या वुमेन होल्ड कर रही है, या वुमेन होल्ड कर रही है, और हमारी बैंक इसको 10 लाख से 1 करोड़ का ग्रीन फील्ड लोन दे देती है तो भी दे आर एलिजिबल, समझा? मान लिया जाएगा कि हमारी ब्रांच ने एक एंटरप्राइज को ये लोन दे दिया, समझा? तो ये लिखा है यहाँ पे 51% कम से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं 100 लाख कर दूं, थोड़ा समझने के लिए आसानी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे 100 लाख कर दूं तो कम से कम 51 लाख का शेयर कैपिटल इन तीनों के पास होना चाहिए. किसके पास होना चाहिए? समझा गया? एक सेकेंड रुक जाओ. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दिस. इसमें क्या बोला है? सिडबी, सिडबी इज गोइंग टू मैनेज दिस स्कीम. दे आर गोइंग टू गिव लोन्स ऑफ 10 लाख टू 1 लाख फॉर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स टू ईदर वन ऑफ द वन एससी, एटलीस्ट वन एससी और एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर. इफ इंडिविजुअल्स आर नॉट कमिंग टू बोरो, एक कंपनी आती है या पार्टनरशिप फर्म आती है या एलएलपी आती है, तो उसमें कम से कम 51% कैपिटल इन तीनों कैटेगरी के लोगों के पास होना चाहिए. अब उस पर भी समझो बच्चों, अगर ऐसा हो गया तो सर 100 लाख में से 20 लाख एक एससी एंटरप्रेनर्स के पास है, 20 लाख अनदर एसटी एंटरप्रेनर्स के पास है और 11 लाख वुमेन एंटरप्रेनर्स के पास है, टोटल 51 हो रहा है, यस, तो भी चलेगा.
एवरीवन तो भी चलेगा. नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, एलिजिबल ओनली एससी एंड एसटी. बच्चों मतलब एससी और एसटी के मेन आर ऑल्सो एलिजिबल एंड ऑल टाइप्स ऑफ वुमेन आर एलिजिबल, एससी एसटी एंड वुमेन, बट यू हैव टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज. लोन अंडर द स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट. ग्रीनफील्ड सिग्निफाइज द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर. ग्रीनफील्ड मतलब आपका पहला बिजनेस वेंचर होना चाहिए. सब्सिक्वेंट बिजनेस वेंचर के लिए पैसे नहीं मिलेंगे. इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस 51% स्टेक शुड बी हेल्ड ईदर बाय ऑल दीस. तीनों में से किसी के पास भी होना चाहिए 51% स्टेक. स्टेक मतलब ओनरशिप. बोरोअर शुड बी इन नॉट इन डिफॉल्ट ऑफ अदर बैंक्स. आपने किसी और, जो भी वुमेन, जो भी एससी एंटरप्रेन्योर या एसटी एंटरप्रेन्योर या वुमेन एंटरप्रेन्योर को आप लोन दे रहे हो, उन्होंने किसी और का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए. दिस इज नॉट करेक्ट. कोई किधर और का डिफॉल्ट करके यहां से लोन मांग रहे हैं, नहीं. तो ग्रीनफील्ड मतलब क्या? ग्रीनफील्ड मतलब आपका फर्स्ट बिजनेस वेंचर होना चाहिए. आपका फर्स्ट बिजनेस वेंचर होना चाहिए तो ही आपको ये लोन की फैसिलिटी लेना अलाउड है. एससी एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर 18 प्लस होने चाहिए, ये कंपलसरी है. समझा? यहाँ पे 18 प्लस होने चाहिए, ये कंपलसरी है. ठीक है, अगर एक से ज्यादा लोग है मतलब पार्टनरशिप या वगैरह है तो 51%. तो विद दिस वी आर डन विद दिस पार्ट. अब हमारे पास जो बचता है दैट इज द बैंकिंग वाला पार्ट जो कि काफी बड़ा है, और एनबीएफसी. बैंक्स और एनबीएफसी ही बचे हैं जो कि हम करेंगे कल. ओके बच्चों, ठीक है. और हमारा कल होगा करंट अफेयर्स भी. आई थिंक मुझे कुछ चीजों के बारे में जानना है. प्लीज टेल मी मॉर्निंग इज इट फीजिबल फॉर पीपल टू ज्वाइन. एक काम करते हैं, आई थिंक ये हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ये डिस्कस करते हैं. मैं सिर्फ एक पोल डालूंगा मॉर्निंग कितने लोगों के लिए सही है. तो मॉर्निंग में अगर इको और ये हो जाए तो अच्छा है, हम ज्यादा टाइम ले पाएंगे. या फिर मॉर्निंग में हम इको लेंगे, इवनिंग में हम करंट अफेयर्स लेंगे. ऐसा दो स्केड्यूल्स में अगर मैं बांट दूं तो क्या लगता है? क्योंकि इको अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. एंटरप्रेन्योरशिप के तीन चैप्टर्स बहुत ईजी है. समझा? एंटरप्रेन्योर्स के तीन चैप्टर्स तो और फास्ट हो जाएंगे. तो मुझे अगर मॉर्निंग में दो एक घंटे मस्त मिल गए इको, हम लोग करंट अफेयर शाम को एक घंटा रखेंगे और मॉर्निंग के टाइम में हम इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे. इमीडिएटली आज नहीं, एक दो दिन दीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग मॉर्निंग में शिफ्ट करते हैं इकोनॉमिक्स. एवरीवन ओके? ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी. आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो, सो आई वोंट बी टेकिंग करंट अफेयर्स टुडे, बट फ्रॉम टुमारो करंट अफेयर्स विल ऑल्सो स्टार्ट. ठीक है, अलविदा, टाटा, बाय बाय, सी यू एवरीवन. इस चैप्टर को पढ़ो, दिखता बहुत बड़ा है बट अगर ऐसा पढ़ोगे ना तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर. क्या था? इक्विटी शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे. ये स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, ये जरूर पढ़ना. देखो कितना कुछ किया है मैंने यहाँ पे. समझा? यहाँ पे चलो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय ऑल ऑफ यू.